तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? और आज हम लाइव आ चुके हैं और आप लोग के बीच में लाइव इसलिए आए कि आज हम आप लोग को ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं। और चलिए आज हमारा यहाँ पर देखिए स्क्रीन में दिखाई दे रहा एक के इन एक के का परिवार हो चुका है। बहुत बहुत आप लोग का बधाई हो, लोगों ने हमें इतना प्यार एवं सपोर्ट दिया और हम चाहेंगे कि आप लोग का प्यार एवं सपोर्ट ये बना रहे। और आज जो हमारा एक का परिवार पूरा हो चुका है और हमने सोचा कि लाइव आकर बच्चों के बीच अपनी बातें रख सकें। और जो हमारा लाइफ रहा, जो हमारा जीवन रहा, काफ़ी संघर्ष रहा और हर व्यक्ति का जो जीवन रहता है संघर्ष ही रहता है। और जो भी अगर आगे की तरफ बढ़ा रहता है तो उसका जो जीवन रहता है संघर्ष से सभी गुजरा रहता है, क्योंकि बिना संघर्ष से कोई काम होने वाला नहीं है। तब तक आप जिंदगी में संघर्ष करेंगे तभी आपका कोई नाम या कोई मुकाम या कोई आपकी और कोई ना कोई संघर्ष से ही आपका पहचान हो सकता है। बिना संघर्ष से कोई पहचान नहीं होती ना। हमने हमने बातें सुनी है और अमिताभ बच्चन जो अपनी बातें बोले, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत ही संघर्ष किए हैं और जब हम बताते हैं और हम आप लोगों को बताते हैं कि हम क्या करते हैं कि हाँ जब वीडियो बनाते हैं तो बीच बीच में सांग डालते रहते हैं और इस पर भी आप लोगों को बता देते हैं कि इसलिए सांग डालते रहते हैं कि बच्चे जो हों बोरिंग ना हो, क्योंकि बीच में इसलिए सांग डालते रहते हैं कि अगर बच्चे कोई हैं तो क्या होता है कि अगर एक एक घंटे की वीडियो है या आधे आधे घंटे की, तो फिलहाल हमारा तो वीडियो इतना बड़ा लॉन्ग नहीं आता होगा तो 10-12 मिनट का होता होगा। और क्या होता है कि जब वीडियो डालते हैं तो बच्चे क्या होते हैं कि देखते देखते बोरिंग हो जाते हैं। और मैथ में अगर आप संग के साथ सवाल को सॉल्व करें तो इससे कोई दिक्कत की बातें नहीं है, क्योंकि हम अपने समय में अपना बताते हैं कि कहानी जो रहा क्या कहते थे कि हम अपने समय में जो मैथ को लगाते थे सवाल को अपने समय में बताते थे। हम क्लास 10th में रहते थे तो बहुत अधिक संग लगा कर सवाल को लगाया करते थे। कभी तो दो दो एक एक बज जाते थे, कभी कभी किसी के सोते ही नहीं थे, दिन में 2-3-4 घंटा बाद में सो लेते थे। जब हम सुबह में जाते थे 10 बजे कोचिंग और कोचिंग के बाद आने के बाद क्या करते थे कि भोजन करने के बाद फिर सब सो लेते थे दिन में। तो हमारा यही रहा और हम ही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं और संग के साथ यानी इंटरटेनमेंट के साथ सवाल लगाएं और जिससे कि बच्चे बोरिंग ना हो, इसलिए हम बीच बीच में क्या करते रहते हैं कि हमने यूट्यूब को स्टार्ट किया। तो फिलहाल तो हमारा हम बताएं तो हम कोचिंग अपना लगभग हम 8 साल से आज तो बोले तो अगर 8 साल से कोचिंग चलाते हैं और कोचिंग में बचपन से ही शौक था कोचिंग चलाना। और जब हम क्लास 9th में रहते थे तभी से ही हम कोचिंग चला रहे थे। और जब हम 9th में तभी हम 10th के बच्चों को ट्रेंड करते रहते थे यानी पढ़ाते रहते थे। फिलहाल हम अपने एक दोस्त थे जो हमसे सीनियर था और उसका क्या हुआ कि जब 10th का एग्जाम आया तो उन्होंने कहा कि हमारा एग्जाम आप दे दीजिए। हम उस समय कहें कैसे दें, तो हम उस समय 9th में थे तो हमने क्या किया कहा चलिए कोई बात नहीं हम दे देंगे। और हमने गया उनका मैथ और साइंस दिया और लगभग बता रहे हैं अच्छा खासा उनका एग्जाम का नंबर रहा और 400 से कुछ अधिक नंबर रहा था। और मैथ और साइंस के ही दिए, उसके बाद कहें कि हिंदी का 10 हमने उनका रात भर हमारे पास ही रहते थे क्यों एग्जाम आ गया था और एग्जाम के समय हमारे पास ही सोते थे। वो हमें कहते थे भैया हमें किसी भी तरह हमें एग्जाम में टेस्ट कराइए बताइए कि क्या आएगा। तो हमें हिंदी में पूरा छंदो या अलंकार वाला कुछ भी होते वो वहाँ पर प्रत्यय होते हैं ना, तो हिंदी का वो चीज़ जो संस्कृति था और वो जैसे जितने चीज़ें थे उन्हें रटा दिए थे। और जितने तुम ही जाओ और पहला पेपर हिंदी ही रहता है सबका और क्लास 10th में, तो हिंदी के पेपर के दिन उन्होंने गया और पेपर दिया। और मैथ और साइंस के दिन और उन्हें मैथ और साइंस तो अच्छा नहीं था और हमारे यहाँ नहीं वो बाद में जैसे एग्जाम हुआ तो आए तो हम कहते हैं ठीक है बात है और दे देंगे। तो हमारा बोले तो कोचिंग का जो शौक था बचपन से ही था और क्लास 9th से बोले ना 9th थे तभी सब छोटे बच्चों को लेकर उसी तरह पढ़ाते रहते थे छत पर अपने और वहाँ से ही हमारा कोचिंग का स्टार्ट हुआ। और इस समय तो बहुत ही बच्चे हैं क्लास 9th और 10th के चलाते रहते हैं, इस समय टाइम भी मिलता है तो क्या कहता है कि बच्चों को पढ़ाने के बाद आप लोग भी वीडियो भी डालते रहते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि जो टाइम मिलता है उसके समय हम अपना भी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद
सोचते हैं कि कुछ यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो बना दो, तो उसके लिए भी यानी आधा एक घंटा टाइम निकालते हैं और डाल देते हैं। तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यूट्यूब पे हमें इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा और हम भी धीरे धीरे डालना चालू किया। अभी हाँ देखें कि आज लगभग हमने इसी तरह लगभग एक से दो तीन महीने कितना हो गया, 3 से 4 महीने हमने लगातार मेहनत किया और आज हमारा एक ही का परिवार हो चुका है। हमने सोचा ही नहीं था कि हमारा यूट्यूब पे इतना हमें प्यार एवं सपोर्ट मिलेगा। और तो आज के लिए इतना ही। और